नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा पहली विषय हिंदी, हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 5 है, हरियाली। ये एक चित्र वाचन है, तो आप लोग चित्र देखो और मुझे बताओ कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन सभी बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे, ठीक है? हाँ। एक साथ बोलोगे? नहीं। अगर सब एक साथ बोलेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं जिसका नाम बोलूंगी वो खड़ा होके मुझे बताएगा कि उसे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है? हाँ। रेडी? हाँ, हाँ कि ना? कुछ तो बोलो। हाँ। तो सबसे पहले प्रिंस, मुझे बताओ चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? आगे पीछे वाला झूला। झूला दिखाई दे रहा है जो आगे पीछे होता है, वेरी गुड। लक्ष्य, झूले में क्या और क्या दिखाई दे रहा है? और एक नदी है। एक नदी है, और क्या दिखाई दे रहा है? जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए आपकी। वेरी गुड। डिम्पी, बताओ चित्र देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? कुछ डिम्पी दिखाई दे रहा है आपको? बताओ क्या दिखाई दे रहा है? फूल दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। कौन से रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं डिम्पी? कौन से रंग के फूल है देखो? आपको रंगों के नाम मालूम है? नहीं? अंजलि, आप बताओ कौन से कलर के फूल दिख रहे हैं? पियर। पियर मतलब पीला। और कौन से कलर के फूल है देखो, कौन बताएगा? मैं। बोलो कौन से कलर का फूल है? देखो शिखा बता रही। गुलाबी कलर का है। और कौन सा कलर है? पीला है, गुलाबी है, सफेद है। दिखा डिम्पी? डिम्पी दिखा क्या बेटा? वेरी गुड। और क्या चित्र में दिखाई दे रहा है, कौन बताएगा? बोलो। वेरी गुड। दो आदमी चल रहे हैं और एक लड़के के हाथ में फुग्गा है, गुब्बारा है। फैज, क्या दिखाई दे रहा है चित्र में बताओ? कुछ चित्र में दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। बताओ क्या चित्र दिखाई क्या दिखाई दे रहा है? झूला। झूला। और क्या दिखाई दे रहा है? नदी। नदी भी दिखाई दे रही है, अरे वाह। और क्या दिखाई दे रहा है फैज को? फिसल पट्टी, फिसल गुंडी दिखाई दे रही है। और अब चलो मैं आपको बताती हूँ किस चित्र में। अच्छा, खुमेश बोलेगा, बताओ खुमेश क्या दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं बोलेगा ना, खुमेश को आता है। एक लड़की आइसक्रीम दे रहा है। वेरी गुड, सही। एक लड़की के हाथ में आइसक्रीम है, वेरी गुड खुमेश, शाबाश। सब लोग ताली बजाओ खुमेश के लिए। वेरी गुड, बस स्टॉप। खुमेश कभी नहीं बोलता है, आज खुमेश ने भी उत्तर बताया। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल नहीं शर्माने का, गलत हो गया तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, टीचर आपको बता देगी। अब मैं बोल रही हूँ, सब लोग चित्र में देखो। चित्र में दो एक पेड़ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक पेड़ पर पंछी बैठे हुए हैं, दिखाई दिया? हाँ। और पेड़ के बाजू में तितली उड़ रही है पीले रंग की, दिखाई दी? हाँ हाँ, पीली भी है दो। अब मैं जो बोलती हूँ वो सुनो बेटा। देखो यहाँ पे बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे, दिखाई दिए सबको? और फूल के पास भौरे मंडरा रहे हैं, है ना? और फूल के पास लिखा है, फूल मत तोड़ो। क्या लिखा है? फूल मत तोड़ो।
बहुत सारे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो बगीचे में जाते हैं और फूल और पत्ती को तोड़कर फेंक देते हैं। ये गलत है, हमें बगीचे में फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। फूलों को तोड़ना चाहिए बगीचे में? नहीं, वो गलत है, हमें नहीं तोड़ना चाहिए। देखो तितली भी उड़ रही है फूलों के पास, मालूम है? हाँ। आप लोगों को दिख रहा है चित्र में? हाँ। और यहाँ पे देखो दो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, दिखाई दिया? हाँ। एक लड़की है, उसके हाथ में आइसक्रीम है, और लड़का है, उसके हाथ में गुब्बारा है, दिखाई दिया? आगे जो मैं बोल रही हूँ देखते जाओ चित्र में, दिखाई दे रहा है तो हाँ बोलो, और जिसको नहीं दिख रहा है बोलो टीचर नहीं दिख रहा है। दो बच्चे, एक लड़की और लड़के भाग रहे हैं, दिख रहा है? पास में एक बच्चा खड़ा है, देखो कूड़ेदान में वो कुछ डाल रहा है। हमें अपना कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में देखो डिब्बा है, तो जो भी कचरा है आप पेंसिल साफ करते हो बनाते हो तो कचरा निकलता है ना, उसको हमें कचरे के डिब्बे में ही डालना चाहिए। आप लोग जो खाना लाते हो बच जाता है तो आप लोग क्या करते हो? मैदान में फेंक देते हो, ये गलत बात है बच्चों। कचरे का डिब्बा है उसमें फेंको। पहली बात, खाना फेंकना नहीं चाहिए, खाना उतना ही लो जितना आप खा सको। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना खाने को नहीं मिलता है, इसलिए खाना थोड़ा लो। आंटी को बोलो आंटी हमको थोड़ा सा खिचड़ी दो, ज्यादा मत दो, लेकिन ज्यादा लेकर फेंकना गलत बात है, अन्य का नुकसान नहीं करना चाहिए। आगे देखो, इधर नदी है, नदी के ऊपर पुल दिखाई दे रहा है? नदी में देखो बगुला है, दिखाई दिया? और नदी में क्या दिख रहा है? मछली, दिखाई दिया? और देखो यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, उसके हाथ में डंडा है, दिखाई दे रहा है? और यहाँ पे दो व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, दोनों बेंच पे बैठे हुए हैं, दिखाई दिया? ये दृश्य कहाँ का है? ये बगीचे का दृश्य है, है ना? अब मैं पढ़ूंगी और आप लोग मेरे साथ पढ़ना। उसके पहले देखो एक तितली दिखाई दे रही है बड़ी सी, उसमें आप लोगों को रंग भरना है। क्या करना है? रंग भरना है। आपको जिस कलर की तितली अच्छी लगती है आप वो रंग इसमें भरोगे, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगी मेरे साथ आप लोग पढ़ोगे। जलेबी, जलेबी। भोजन, भोजन। चपाती, चपाती। पांच, पांच। तकिया, तकिया। सतरंज, सतरंज। ललिता, ललिता। अनिल, अनिल। इकाई, बाइबल, ईशा, रसोई, बगीचा, तितली, मछली, फिसल पट्टी, पानी, गेंदा, फूल, गुलाब, मोगरा, बुलबुल, कूड़ादान, खुशी, खुशी और आनंद, बगीचे में, बगीचे में खेलने, खेलने के लिए गए हैं। खुशी और आनंद बगीचे में खेलने के लिए गए हैं। आकाश नीला है,
आकाश नीला है। आकाश नीला है। यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों पर भौरा और तितलियाँ है। तालाब में बगुला और मछलियाँ है। लोग घूम रहे हैं। नीम के पेड़ पर पंछी हैं। बच्चे वहाँ झूला झूल रहे हैं। कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया। अभी आपको क्या करना है देखो, अनुरेखण देखो और पेंसिल घुमाओ। नीचे जो लिखा हुआ है ना बच्चों, उसको पढ़ना है और उसके ऊपर पेंसिल घुमाना है। तो कौन सा अक्षर है देखो, कौन सा अक्षर है बताओ? ज। ज से जहाज। जहाज, वेरी गुड। ज के बाद क्या है? च। वेरी गुड। च से चम्मच। शाबाश। च के बाद कौन सा अक्षर है? त। त से तरबूज। तरबूज, वेरी गुड। फिर क्या है? ला से लड्डू। फिर क्या है बच्चों? ई। पहले छोटी ई की बड़ी ई है? छोटी ई। छोटी ई से फिर उसके बाद बड़ी ई। बड़ी ई से वेरी गुड। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, शाबाश। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये पाठ पढ़ लिया, पाठ 5 हरियाली, है ना। हम लोगों ने चित्र देख के पढ़े ना। हाँ। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।